नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर परफ्यूम यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर सिद्धार्थ और गाइस आज हम बहुत बहुत टाइम बाद वापस आए हैं अनबॉक्सिंग विद नानी के साथ, जो कि आप लोगों का सबसे फेवरेट सीरीज है। तो नानी, ये हमारी यूट्यूब फैमिली है, सबको हाय बोल दीजिए। तो गाइस एक्चुअली क्या था कि नानी का थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब था और कुछ कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से हम अनबॉक्सिंग विद नानी नहीं लेके आ पाए, मगर अभी मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलरली ये सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ और आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो गाइज आज मैंने एक नया सेट ऑफ परफ्यूम मंगाया है, चलिए आइए देखते हैं कि ये कौन सा परफ्यूम है, अनबॉक्सिंग करते हैं और नानी का ओपिनियन लेते हैं इस पर। आज का जो फ्रेग्रेंस है गाइस, ये मुझे बहुत टाइम से इसके रिक्वेस्ट आ रहे थे कि कोई मिड रेंज वाला फ्रेग्रेंस के लिए आप वीडियो बनाइए। तो गाइस मैंने विलन का EDP मंगाया है और विलन का हाइड्रा मंगाया है, तो कुछ इस तरह से इन दोनों के बॉक्सेस दिखते हैं। ये एक फ्रेग्रेंस हमको 500 रुपीज़ का पड़ा और दोनों मिला के टोटल 1000 रुपीज़ का पड़ा। तो ये कम्प्लीटली बजट फ्रेग्रेंसेस है, मिड रेंज के लिए, 500 वाले रेंज के लिए बहुत सारे लोग मुझसे रिकमेंडेशंस मांग रहे थे और कुछ नए फ्रेग्रेंसेस का रिव्यू भी मांग रहे थे। तो मैंने सोचा कि विलन को एक ट्राई देना चाहिए। तो विलन का EDP और हाइड्रा मैंने मंगाया है, चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि बॉटल कैसा दिखता है। तो गाइज कुछ इस तरह से विलन लिखा है, आगे हाइड्रा लिखा है। ये यूदे परफ्यूम वर्जन है, 100 ml का ये बॉटल है। साइड में लिखा है, विलन एक्सपीरियंस द एल्यूरिंग फ्रेग्रेंस ऑफ विलन हाइड्रा ब्लेंडेड विद फ्रेश एक्वाटिक एंड सिट्रस नोट्स। दिस लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस कीप्स यू एनर्जाइज्ड एंड रिफ्रेश्ड ऑल डे। यूज डेली एंड स्टेप आउट स्मेलिंग एक्वाटिक फ्रेश एवरी टाइम। कीप्स बॉडी ऑडर अवे, कीप्स यू फ्रेश ऑल डे लॉन्ग। और डायरेक्शंस ऑफ यूज दिए गए हैं, इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, बैच कोड दिया गया है, इधर बार कोड और इधर प्राइस दिया गया है। तो चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर कैसा दिखता है। 500 के हिसाब से मुझे डिसेंट बॉक्स लगा। बॉटल कुछ इस तरह से दिखता है विलन हाइड्रा का। लिक्विड की क्वांटिटी अंदर दिखती है, ठीक ठाक कैप है जो कि स्नगली फिट हो जाता है, मगर आप कैप से पिकअप ना ही करें तो बेहतर होगा। इसको साइड में रख लेते हैं। और दूसरा जो है हमारा विलन का EDP वाला, मुझे ये वाला फ्रेग्रेंस इसलिए ट्राई करना था क्योंकि हमारे फैमिली में, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, उसमें बहुत सारे लोग मुझे कॉफ़ी बेस्ड फ्रेग्रेंस के बारे में पूछ रहे थे। मैंने इसके कुछ नोट्स देखे हैं, इसमें कॉफ़ी का यूज़ किया गया है और एक बहुत ही अलग नोट का यूज़ किया गया है जो कि है ऑरेंज ब्लॉसम। हल्का फुल्का वैनिला का भी यूज़ किया गया है और मस्क का भी यूज़ किया गया है। तो आइए देखते हैं कि इसका स्मेल कैसा है, बॉटल कैसा दिखता है। तो कुछ इस तरह से विलन का जो EDP है, बाहर से इस तरह से बॉक्स दिखता है। इधर यूदे परफ्यूम है, 100 ml का बॉटल है। इसके साइड में लिखा है, एक्सप्लोर योर विलेनस स्ट्रीक विद द सिग्नेचर सेंट ऑफ विलन क्लासिक। तो इसको विलन क्लासिक बोला जाता है। दिस फ्रेग्रेंस विद वुडी एंड स्पाइसी नोट्स कीप्स बॉडी ओडर एट बे एंड लास्ट्स लॉन्ग। वेयर इट डेली एंड अनरैवल योर लीथल करिश्मा लाइक अ ट्रू ब्लू विलन। तो आई गेस इसमें एक डार्क किस्म का स्मेल देने की कोशिश की गई है क्योंकि मैंने इसके कुछ एड्स भी देखे, तो वो तो स्मेल करने पर पता चलेगा। बॉक्स के अंदर अगर देखें तो कुछ इस तरह से ओपनिंग है। बॉटल तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ग्लास का बॉटल है, ट्रांसपेरेंट तो नहीं है मगर अंदर लिक्विड की क्वांटिटी दिख रही है। कुछ सेम पैटर्न यूज़ किया गया है, कैप स्नगली फिट होता है और ये 100 ml का बॉटल है। तो अब हम दोनों परफ्यूम्स को स्ट्रिप्स पे स्प्रे कर लेंगे
और नानी से भी पूछेंगे कि उनका कौन सा फेवरेट है, और मैं भी देख लूँगा कि मुझे कौन सा पसंद आता है। आप देख सकते हैं कि लिक्विड कम्प्लीटली स्प्रे कर रहा है, और इसको साइड में रख लेते हैं। दूसरे स्ट्रिप में हम विलेन हाइड्रा को स्प्रे कर रहे हैं। काफी अच्छे से लिक्विड स्प्रे कर रहा है। तो गाइस, लेफ्ट वाले में मेरा विलेन क्लासिक है ईडीपी, और राइट वाले में मेरा विलेन हाइड्रा है, वो भी ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन है। तो नानी से पूछते हैं, नानी को कौन सा पसंद है? नानी, वो वाला कैसे है? अच्छा लगता है खुशबू, वो जब स्प्रे किया तब पता चला। हाँ। तो नानी ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है विनर, और तो विलेन हाइड्रा गाइस नानी को पसंद आया है। विलेन ईडीपी से ज्यादा, विलेन क्लासिक वाला जो ईडीपी है उससे ज्यादा विलेन हाइड्रा पसंद आया है। और पर्सनली स्पीकिंग मुझे भी विलेन हाइड्रा ज्यादा पसंद आ रहा है। तो इन दोनों परफ्यूम्स को मैं अब एक अच्छे से कुछ दिनों तक यूज करके इनके परफॉर्मेंस, इनके प्रोजेक्शन और एक कंप्लीट डिटेल रिव्यू मैं आपके साथ लेके आऊंगा। गाइज, अभी मैंने बहुत सारे फ्रेग्रेंसीज मंगाए हैं, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।